सबके बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी मतदान कर दिया है। लखनऊ में प्रशांत कुमार ने वोटिंग की है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जब प्रशांत कुमार वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। एक हॉट सीट लखनऊ भी है, यहां से राजनाथ सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बार जनता उनको कितना प्यार देती है या फिर बाजी विपक्ष मारता है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। हर एक जानकारी आपको हम देंगे, लेकिन सबके बीच ये तस्वीर जब प्रशांत कुमार वोटकास्ट करने के लिए पहुंचे थे। आज पांचवें चरण में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं उसके लिए व्यापक पुलिस व्यवस्थाएं कराई गई हैं। इसमें लगभग 10,000 निरीक्षक उप निरीक्षक, 71,000 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल, 48,000 होमगार्ड, 264 कंपनी अर्धसैनिक बल चुनाव से संबंधित बूथों पे लगे हैं। इसके अतिरिक्त शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 230 कंपनी पीएसी का भी व्यवस्थापन किया गया है। हमारे राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय बॉर्डरों पे भी सघन चेकिंग की जा रही है। आज के दिन अभी तक कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है। कहीं कहीं पे ईवीएम के शुरुआती क्षणों में ईवीएम के माल फंक्शनिंग की शिकायत थी, वो निर्देशों के अनुसार उनको बदल दिया गया है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है, पांचवें चरण का मतदान चल रहा है। कुछ जगहों पर सुबह सुबह ईवीएम के खराब होने की खबर जरूर मिली थी, लेकिन अब व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि लखनऊ राज्य की राजधानी है और यहां पर एक से बड़े एक वीआईपी वोटर्स है जो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग के निदेशक शिशिर ने अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ लखनऊ में वोट डाला है। गोमती नगर स्थित एनी बेसेंट स्कूल बूथ पर इन लोगों ने मतदान किया है। तो सूचना जनसंपर्क निदेशक ने वोट डाला है, अपने दोनों बेटों के साथ ये वोट डालने पहुंचे थे। उनकी पत्नी भी उनके साथ में मौजूद थी। वोट डालने के बाद उन्होंने जो फोटो खिंचाई है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं और यहां पर बीजेपी जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली है, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहना है। इन सबके बीच बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपको हर एक सीट का हाल भी बताना, क्योंकि कुछ देर पहले खबर मिली थी कि महोबा में ईवीएम खराब हो गया है जो कि अब ठीक कर लिया गया है। बूथ नंबर 139-144 पर मतदान एक बार फिर से सुचारू रूप से जारी हो चुका है। ईवीएम खराब होने की वजह से वोटिंग रुक गई थी, लोग लाइन में लगे हुए थे, लेकिन अभी अपडेट मिल रहा है कि महोबा में एक बार फिर से ईवीएम ठीक हो गई है। तो अगर आप भी महोबा में हैं, वोट कास्ट करने जरूर पहुंचे क्योंकि बूथ नंबर 139, 139 और 144 पर मतदान एक बार फिर से शुरू हो चुका है। झांसी में भी इसी तरीके से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं कि गंगावली में ईवीएम खराब हो गया है। बूथ नंबर 157 पर ईवीएम खराब हो गया है, अब तक शुरू नहीं हो सका है मतदान। देखिए बहुत जरूरी है समझना कि जहां पर ये ईवीएम खराब हो रहा है वहां पर भी वोट परसेंटेज ऐसे में प्रभावित होता है कि तीन बार ईवीएम खराब अब तक हो चुका है सुबह से लेकर अब तक बूथ नंबर 157 पर, और अब तक यहां पर मतदान शुरू नहीं हो गया है। कई लोग पहुंचे थे सुबह सुबह मतदान करने के लिए, जिसमें से कहा जा रहा है कि कुछ लोग वापस भी हो गए। ये हैरानी वाली बात है और वहां के सहयोगी से भी हम कोशिश करेंगे जाने की क्या वजह है कि अब तक मतदान शुरू ही नहीं हो पाया। अगर बूथ नंबर 157 की बात करें वहां पर ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब होने की वजह से वोटिंग अभी शुरू भी नहीं हुई है, तीन बार मशीन बदली जा चुकी है। हालांकि दावे जरूर किए जाते हैं कि वोटिंग को लेकर तैयारियां पूरी हैं, लेकिन न्यूज 18 एक एक तस्वीर आपको हर एक सीट की दिखा रहा है, कहां पर ईवीएम खराब, कहां पर ईवीएम ठीक हो गया है, कहां पर मतदान शुरू ही नहीं हो पाया है। वहीं अगर फतेहपुर की बात की जाए तो फतेहपुर में भी बूथ नंबर 37 पर ईवीएम खराब होने की खबर मिल रही है। खागा के बूथ 37 पर ईवीएम खराब होने की खबर मिल रही है। तो ऐसी खबरें कई जगह से आई है, फतेहपुर से भी जो खबर आ रही है बूथ संख्या 37 पर ईवीएम खराब हो चुकी है। आगा के बूथ संख्या 37 की ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान वहां पर भी बाधित बताया जा रहा है। तो कई जगह से सुबह से लेकर अब तक हमने ईवीएम खराब होने की खबर देखी है।